त्यानंतर मी विनंती करतो आपल्या सर्वांचे लाडके आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष श्री राज ठाकरे यांना की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. आज हे आपलं दीपोत्सवाचं 11 वर्ष आणि याला म्हटलं पण नाही वाटलं पण नाही की 11 वर्ष झाली आहे दीपोत्सव सुरू करून. मला अजूनही आठवते की तो दिवस कधी विसरणार नाही. ज्यावेळी मला घरामध्ये बसलो होतो 12 वर्षापूर्वी आणि संपूर्ण शिवाजी पार्क मैदान मला सुनसान काळ असं मला सगळं दिसत होतं परिसर. आणि मला असं वाटलं की अरे दिवाळीचे दिवस आहेत शिवाजी पार्क मैदान असं सुनसान असं दिसून कसं चालेल. आणि मला असं वाटलं की बाबा याच्यातला आपण एक दीपोत्सव सुरू करावा सगळीकडे लाईट लावावेत लोक वाटवतात की दिवाळी आहे आणि यातनं आज हा 11 वर्ष पूर्ण या गोष्टी लावत आहेत. या दीपोत्सवाला याच्या अगोदर सचिन तेंडुलकर येऊन गेले आशाताई येऊन गेले अनेक मान्यवर येऊन गेले मराठी अनेक कलावंत येऊन गेले. मी आज खास आभार मानणार आहे मी सलीम साहेबांचे आणि जावेद साहेबांचे जेव्हा मी त्यांना सांगितलं की अशा प्रकारचा दीपोत्सवाचा कार्यक्रम आहे जावेद साहेबांना म्हटलं मी सलीम साहेबांना विचारणार आहे ते बोलले जरूर विचारा मी येणार. सलीम साहेबांना विचारलं मी जावेद साहेब येत आहेत म्हणाले ते बोलले मी येणार. आणि आज खूप वर्षानंतर सलीम जावेद ही ब्लॉकबस्टर जोडी आज आपल्याला इथे सगळ्यांसमोर उपस्थित झाली दिसते. मी खास आभार मानीन या दोघांचे त्याचबरोबर माझे मित्र रितेश देशमुख यांचे. मी काल त्यांना विचारलं मी म्हटलं रितेश म्हटलं प्लीज व्यासपीठावरती येऊन सलीम साहेब आणि जावेद साहेबांना काही प्रश्न विचारणार ते बोलले जरूर नक्की विचारणार. आणि आज इथे माझे मित्र आशुतोष गोवारीकर इथे आलेले आहेत खरं तर ते उद्या पण आहेत पण आज सलीम साहेब आणि जावेद साहेब यांच्या प्रेमाखातर ते आज पण इथे आज उपस्थित राहिलेले आहेत. मी त्याचे पण आभार मानतो सलीम साहेब जावेद साहेब बहुत आभारी हूँ आप दोनों ने यहाँ पे आके हमें वक्त दिया इस दिवाली की शुरुआत की और सभी लोग खुश हैं बहुत सारे लोग टेलीविजन चैनल पे देख ज्यादा मैं कोई वो बेटा कुछ नहीं सर आके सर एक बटन दबाना है जिससे पूरा एरिया लिटअप हो जाएगा. अच्छा तो आप मुझे बिना बोले भेज देंगे बेटा नहीं नहीं बिना बोले कैसे भेज देंगे बोलना तो पड़ेगा. तो बोले हाँ तो फिर ठीक है बोले आके बात करूंगा फिर निकलूंगा बिना बात के मैं निकलूंगा नहीं. मी जावेद साहेबांना मी विनंती करतो की आपण आपलं मनोगत लोकांसमोर लोकांचे सामने बात केली राज ठाकरे साहेब सलीम साहेब सुतोषजी येथे भाई बहनों मैं सबसे पहले तो अपना शुक्रिया आभार प्रकट करना चाहूंगा कि ये मान ये सम्मान हमें राज ठाकरे साहब ने दिया. कुछ बातें जरा थोड़ी सी खुल के कहनी चाहिए तभी मना आता है. अब बहुत से लोग हैरान भी होंगे कि राज ठाकरे साहब को और कोई नहीं मिला था सचिन जावेद के अलावा. और कुछ लोगों को ये भी आश्चर्य होगा कि भाई जावेद ये तो अपने आप को नास्तिक कहते हैं एथीस्ट कहते हैं ये धार्मिक त्योहार में क्या करते हैं ये कैसे पूछे. अब उसकी एक थोड़ी सी दो वजह है. एक वजह तो ये है ये तो खैर हमारे बहुत गहरे दोस्त हैं राज ठाकरे साहब लेकिन राज ठाकरे साहब तो अपने दुश्मन को भी इन्वाइट करें तो इनकार तो नहीं कर पाए. दोस्त है और दूसरी बात यह है कि मैं श्री रामचंद्र जी को या सीता जी को वो हिंदुस्तानी कैसा होगा जो नहीं जानता है रामायण के बारे में या महाभारत के बारे में. ये तो हमारा इतिहास है ये तो हमारी संस्कृति है ये हमारी पहचान है ये वो चीज है जिससे हम जितना भी गर्व करें कम है. इसका कुछ लोगों का धार्मिक आस्था है उससे बहुत लोगों की लेकिन
मेरे जैसे जो नास्तिक है उनके लिए भी एक गर्व का सम्मान है कि मैं उस देश में पैदा हुआ हूँ जो रामचंद्र का हूँ, सीता का हूँ। स्वदेश में मेरा एक अजीब यहाँ बैठे बहुत अच्छी बात है कि सामने मेरे बैठे जवाहर साक्षी। एक पिक्चर हम लोग बना रहे थे, डायरेक्टर ये थे, मैं उसका सॉन्ग राइटर था। मुझे एक मैसेज आई, ये भाई जो है अपना महाबलेश्वर के आगे जहाँ नाना साहब की एक बड़ी जबरदस्त हवेली भी है वहां ये शूटिंग कर रहे थे, मुझे मैसेज आई कि आप कल आ जाइए, बहुत जरूरी काम। खैर मैं पुनः फ्लाई करके गया, वहां प्रोडक्शन की गाड़ी थी, वो मुझे वहां ले गई। वहां शूटिंग दिन में चल रही थी तो मैं इंतजार कर रहा था शूटिंग के मजे लेता रहा। फिर शाम को जब हम होटल में गए नहाए वहाए तो मेरे कमरे में महाबलेश्वर कहने क्या है कि रहमान म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो 3 महीने के लिए बाहर जा रहा है, इसलिए उसे कोई इंग्लिश प्ले में म्यूजिक देनी है और मुझे गाना चाहिए इसी गांव में शूट करना है। तो रहमान कल आएगा और कल रात एक रूम को हमने स्टूडियो बना दिया, वहां वो रिकॉर्ड करेगा, तो सिंगर भी आ रहे हैं। तो मुझे गाना लिखने में 1.5 से 2 घंटा लगता है। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, कल शाम में करना है तो कर देंगे, क्या सिचुएशन क्या है। अब जब उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई तो मेरे हाथों के दर्द उड़ के महाबलेश्वर की सबसे ऊंची पहाड़ी पे बैठ गए। इन्होंने बताया क्या है कि गांव में रामलीला हो रही है और उसमें सीता जी अशोक वाटिका में है और वो आता है रावण और रावण आके कहता है कि सीता ऐसा क्या गुण है राम में जो तुम इतनी उनकी पूजा करती हो। तो वो जवाब देती है तो फिर वो कहता है अच्छा ऐसे ही है तो यहाँ क्यों नहीं आए तुम्हें बचाने। तो फिर वो जवाब देती है ना, मैंने कहा आपने मेरे मर्डर का परफेक्ट अरेंजमेंट कर दिया। ये आस्था का मामला है भाई, ये इसमें कोई उल्टी सीधी बात नहीं कर सकता। ये गलती हो जाए तो कितने लोग बिगड़ दे। नहीं नहीं आप कर लेंगे, आपको मैं जानता हूँ आप कर लेंगे, मुझे बिल्कुल मालूम समय नहीं कर सकता। मैं रात को आमतौर से 1:30 बजे सोता हूँ, लिखता भी रहता हूँ पढ़ता भी रहा। मुझे इतना डर लगा कि मैं 9 बजे सो गया। सुबह 6 बजे मेरी आंख खुली तो सामने कैसेट प्लेयर रखा है, कैसेट रखा है, कलम और कागज। मैं डर के देखा उसे, मैंने सोचा क्या करता हूँ, 2-3 लाइनें लिख देता हूँ और फिर दिखा दूंगा मैंने अशुतोष जी को कि देखिए ये मैंने कोशिश की थी, नहीं हुआ भाई। तो मैं 6:30 बजे बैठ गया लेकर, जब मुझे होश आया तो 8 बज चुके थे और मैंने वो गीत पूरा लिख लिया। तो मैंने सुनाया उन लोगों, इन्हें बड़ा पसंद आया, ये भी समझ में नहीं आया मैंने कैसे लिख लिया। लेकिन अचरज की बात आ गई, जब वो म्यूजिक रिलीज हुई तो एक इन्होंने बड़ा फंक्शन रखा, उसमें कुछ बड़े ज्ञानी लोग आए, बड़े विद्वान लोग आए और एक आदमी ने मुझसे कहा कि साहब आपने कमाल किया, रामचरित मानस में जो लिखा गया है जिस तरह से आपने उसको कैसे इस्तेमाल करके गाना बनाया। आर्गूमेंट उसमें हाँ यही तो है आर्गूमेंट जो आपने डाले। अब मैं आज तक नहीं जानता क्या मैंने अपने बचपन में लखनऊ में था तो रामलीला कृष्ण लीला होती रहती थी, बहुत बार देखती थी, 5 साल 6 साल 7 साल तो। तो क्या कोई ऐसी चीज थी जो मेरे काम में जाके मेरे सबकॉन्शियस में कहीं पड़ी हुई थी और वो मारे डर के बाहर निकल आई, या ये कि यही एक सही तरीका था लिखने का। तो चाहे तुलसीदास जी लिखे या कोई, अगर सही रास्ता पकड़ना तो यही है। मुझे मालूम ये कैसे हुआ लेकिन ये हो गया और वो बड़ा लोगों ने पसंद किया, बड़ा चला। तो मैं एक अजीब सा संबंध अपना फील करता हूं। ये हमारे संस्कृति में और भी बेटी है, कृष्ण जी की बड़ी महिमा है, लेकिन जब हम आइडियल मर्यादा पुरुषोत्तम आइडियल वाइफ की बात करते हैं पत्नी की तो फिर राम और सीता ही है। एक अध्यात्म रामायण 15वीं सदी में, समझिए 100-125 साल पहले रामचंद्र मानस से लिखी गई, उसमें एक दृश्य है कि जहां और वो कहते हैं कि नहीं हो नहीं सकता, राम कथा बिना सीता के पूरी नहीं हो सकती। मैं तो साखी जा, ये उनका प्रेम ऐसा था,
फिर एक सीन जो रामचरितमानस में है, मैं उसका आपको अनुवाद सुनाऊंगा। तो वैसे शुरू तो होता है यहां से, रघुपति कर संजेव सुन जननी धरी दीन, उस कही कभी गदगद भयो भरे विलोचन दी। जब आंखों में आंसू भर के हनुमान जी ने वो जो संदेशा भेजा था सीता जी को, वो ये क्या पोएटिक, क्या खूबसूरत संदेशा है उसका, मैं जो भी टूटा फूटा ट्रांसलेशन कर चुका हूं, किया है मैंने उसमें कम। श्री राम कहते हैं, तुम्हारे बिना तो दुनिया की हर पदार्थ हर चीज मेरे विलुप्त हो गई। पेड़ों पे नए और कोमल पत्ते निकलते हैं तो आग की लपटों जैसे, हर रात मौत की रात रखती, चांद सूरज की तरह जलता हुआ, कमल के फूलों के बंद, कमल के फूलों के बंद नेक हलों के जंगल बन गए, बादल जैसे खोलता हुआ तेर बरसा, हवा का झोंका सांप की नहीं फुंकार। पर कैसे कहूं, किससे कहूं कि तेरे मेरे प्रेम को तो मेरा ही मन जानता, सुनत प्रेम को ममम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन, ये प्रेम ये रिश्ता है। एक हलहाल में जंगल में जाने को तैयार है, दूसरा कहता है कि तो दुनिया तू चली गई हो तो पूरी दुनिया मुझे अपने खिलाफ। हम लखनऊ का रहने वाले, हम बचपन में छूटे आए थे, जो बड़े सब जिज्ञे थे खड़े हो उनके मुझे तो कर्म नहीं बोलते थे, वरना आम आदमी तो सड़क पर चल रहा होता। जय सिया जय जय सिया। तो इन दोनों को अलग सोचना जो है वो पाप, ये तो मोहब्बत की एकता की गृहस्थ जीवन की बेहतरीन विचार है। किया और राम को अलग से भेद नहीं किया, उसका नाम सुधराधन, जो अलग करे वो ना बने। तो आज आप मेरे साथ तीन बार नजर आएंगे, जय सिया बोलिए, जय किया राम, जय किया राम, जय किया राम। आपसे जय सिया राम ही कहिए। Thank you.